पंचकुला नगर निगम ने रॉटविलर और पिटबुल ब्रीड के कुत्तों पर बैन लगा दिया है। अब से लोग ये कुत्ते नहीं पाल पाएंगे। बैन का वजह यही बताया जा रहा है क्योंकि काफी सारे केसेस में डॉग ओनर्स अपने इन कुत्तों को काबू में नहीं रख पा रहे थे, जिनकी वजह से जानलेवा हमले की समस्या हो रही थी। काफी सारे केस सामने आ रहे थे जिनमें इन्होंने लोगों को काट लिया था। जैसे हाल ही में रॉटविलर और पिटबुल पे म्यूनसिपल कमेटी ने बैन लगा दिया पंचकुला में, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो द मेन रीज़न क्या था कि जैसे साउथ में केसेस आए, राजस्थान में काफ़ी केसेस आए कि रॉटविलर हो गया, बुलडॉग हो गए, वो अपने ओनर्स पे अटैक करे। एक जो केस काफ़ी नेशनल न्यूज़ में आया था, एक बुलडॉग ने अपने ओनर की मम्मी को अटैक करके उसको मार दिया था जान से, तो उसी को देखते हुए पंचकुला एमसी ने भी बैन लगाया। बट इशू क्या है कि द पंचकुला एमसी ऑफिशियल्स, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंकिंग ऑफ अ डॉग, ऑफ अ डॉग ओनर, हाउ दे नो व्हाट्स बिहाइंड द सीन। तो यूजुअली होता क्या है, व्हेन डज अ डॉग गेट एंग्री, अगर डॉग स्टरलाइज नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टरलाइज नहीं है उसके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आती है, तो उसको होता है कि हाँ उसकी फीलिंग्स जागती है, हॉर्मोन्स जागते हैं, तो वो एंग्री भी उतना ही होता है। तो अगर इफ़ यू गेट द डॉग स्टरलाइज एट द राइट मोमेंट, दैट इज अराउंड 9 to 9 months टू एन ईयर, तो उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो कम रहती है और वो इतना एंग्री भी नहीं होता। तो व्हाट शुड एमसी डू कि सारे डॉग्स को रजिस्टर कराओ, राइट, एंड देन दे शुड गेट इट कंपलसरी कि बैन उनको स्टरलाइज कराओ, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कराओ और उनके रेगुलर चेकअप्स होते रहें। अब समस्या तो हर जगह ही है कुत्तों की, चाहे वो पेट डॉग्स हों या गली के कुत्ते हों। नगर निगम ने ये ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट डॉग्स की स्टरलाइजेशन का पूरा अभियान चलाया हुआ है। नगर निगम इसी अभियान में स्ट्रीट डॉग्स की स्टरलाइजेशन कंप्लीट करा के उनको वापस छोड़ देते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी हद तक इनसे कुत्तों का एग्रेसिव बिहेवियर काबू में आता है। मेरा तो ये मानना है कि इस चीज़ में द पेट ओनर्स आर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब डॉग है, वी आर टॉकिंग अबाउट पिटबुल्स एंड रॉटविलर्स। तो मेरे दोस्त के पास जर्मन शेफर्ड है, उसने उसको आई थिंक 3 बार ट्रेनिंग करवाई एंड ही वॉज स्टिल अग्रेसिव, एंड जर्मन शेफर्ड्स आर यूजुअली यू नो द सेंसिबल वंस। सो रॉटविलर्स और पिटबुल को तो हमें ऑब्वियसली करवानी ही चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग ले लेंगे पेट को एंड जस्ट फॉर द शो ऑफ पर्पसेस, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे। उनको अगर दे इफ दे आर ओनिंग इट, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे हैव टू गेट देम प्रॉपर टेक्टिकल ट्रेनिंग्स। तो बैनिंग इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन आई थिंक। पंचकुला नगर निगम के इस फैसले के बाद रॉटविलर और पिटबुल ब्रीड के कुत्तों पर बैन लगा दिया गया है। अब पेट ओनर्स इन कुत्तों को नहीं पाल सकते। अब देखना यही है कि म्यूनिसिपल कमेटी ने एग्जिस्टिंग पेट ओनर्स के लिए क्या प्रबंध करे हैं। चितकारा न्यूज़ के लिए मैं ध्रुव, कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ।